मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का चौथा अध्याय कार्बन और उसके यौगिक। और इस वीडियो में मित्रों हम लोग एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी के आईपीएससी नाम के बारे में जानेंगे, राइट। यहाँ पर देखिए, पहले एल्डिहाइड है क्या, पहले एल्डिहाइड के बारे में जानते हैं। जिस कार्बनिक यौगिक में CHO समूह किसी एल्किल समूह से जुड़े होते हैं उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। मित्रों जरा आप ध्यान दीजिए, जिस कार्बनिक यौगिक में CHO समूह किसी एल्किल समूह से जुड़े होते हैं उसे एल्डिहाइड कहा जाता है, राइट। इसका IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनल होता है, अनुलग्न अल होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1.CHO होता है। अब इस चीज को जरा आप समझिए, आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं एल्केन सजातीय श्रेणी का IUPAC नाम या फिर एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी का IUPAC नाम। एल्डिहाइड क्या है भाई, CHO एल्डो समूह है। अगर ये किसी कार्बनिक यौगिक के एल्किल समूह से जुड़ा तो एल्डिहाइड यौगिक हो जाएगा, और एल्डिहाइड का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एल्केनल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है मित्रों, एल्केनल। और अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1.CHO होता है, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, CnH2n+1.CHO ये इसका अणुसूत्र है, अणुसूत्र साधारण नाम, फिर आता है IUPAC नाम। एल्क कार्बन की संख्या, अल अनुलग्न होता है एल्डिहाइड यानी एल्केनल का, एल्केनल का अनुलग्न क्या होता है मित्रों, अल। और कार्बन की संख्या क्या है, एल्क, एल्क धन अल, और ये पूरा क्या बन जाएगा, एल्केनल बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान दीजिए, अणुसूत्र मित्रों कैसे, आप यहाँ पर देखिए, अगर संख्या एक रखेंगे तो यहाँ पर HCHO आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, रखने की जरूरत है नहीं, ये मित्रों ये प्राकृतिक नेचुरल प्रकृति प्रदत्त है, ये प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया गया है HCHO। इसका जो साधारण नाम होता है मित्रों, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और IUPAC नाम देखिए कैसे रखेंगे, IUPAC नाम, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, अनुलग्न अल होता है भाई। मेथ क्या है देखिए, एल्क क्या है, कार्बन की संख्या यानी मेथ, अनुलग्न क्या है, अल, यानी कि मेथ धन अल क्या बन जाएगा, मेथेनल, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप इस अणुसूत्र के द्वारा बनाएंगे, अगर संख्या यन का मान एक रखेंगे तो क्या आएगा, CH3CHO। इसका जो साधारण नाम होता है एसिटिल्डिहाइड होता है, क्या होता है मित्रों, एसिटिल्डिहाइड। और IUPAC नाम देखिए, दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ कहते हैं, अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, तो क्या बन जाएगा, एथेनल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर दो रखेंगे तो C2H5CHO प्रोपियानल्डिहाइड, राइट, प्रोपियानल्डिहाइड है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, देखिए तीन कार्बन है, दो यहाँ है एक यहाँ है, तो तीन कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप, अनुलग्न क्या होगा, अल, क्या बन जाएगा मित्रों, इसका पूरा IUPAC नाम प्रोपेनल, राइट। यहाँ पर आप देखिए, इसी प्रकार ये बनाएंगे, जब ये बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो IUPAC नाम होगा ब्यूटेरिल्डिहाइड हो गया, और सॉरी साधारण नाम होगा ब्यूटेरिल्डिहाइड, IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेनल। यहाँ देखिए तीन एक चार, चार कार्बन है, ब्यूटेनल, ठीक। अब यहाँ पर देखिए C5H9CHO, इसका जो साधारण नाम होता है पेंटेरिल्डिहाइड होता है। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, पाँच, पांच कार्बन हो तो पेंट अनुलग्न अल क्या बन जाएगा, पेंटेनल, ठीक। इसी प्रकार छह कार्बन है, साधारण नाम हेक्सेरिल्डिहाइड हो जाएगा, छह कार्बन को हेक्स, अनुलग्न अल क्या बन जाएगा मित्रों, हेक्सेनल, राइट। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए एल्डिहाइड सजातीय श्रेणी के IUPAC नाम के बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।